गाइज, वेट गेन करने के लिए आपको पता होगा हाई कैलोरी मील्स खाना कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने फिटनेस जर्नी में कभी भी अपनी डाइट पे उतना ध्यान नहीं दिया। अगर मैं उसे थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देता तो शायद अपने फिटनेस जर्नी में मैं थोड़ा जल्दी प्रोग्रेस कर पाता। सो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो एंड आपको बल्क करना है सो आपको इन 5 मील्स को ज़रूर एक बार ट्राई देना चाहिए, क्योंकि ये मील्स मैं खुद डेली अपने डाइट में खाता हूँ फॉर बल्किंग, जिससे मेरा वेट गेन हो रहा है। सो गाइज, लेट्स ओपन टू दिस। गाइज, मील नंबर 1 होगा हमारा हाई कैलोरी ओट मील। इस मील को कैसे बनाते हैं इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, क्योंकि उस ओट्स को, सिंपल ओट्स को, बोरिंग ओट्स को कैसे मैंने टेस्टी बनाया है, कैसे ओट्स को हेल्दी बना के हाई कैलोरी बनाया है, उस वीडियो में मैंने बताया। सो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना इस वीडियो होने के बाद। एंड उस मील से आपको मिलेंगे 424 कैलोरीज, आपको मिलेंगे उसमें से 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 66 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड 12 ग्राम ऑफ फैट्स। अब ओट्स का एक पैकेट जो हाफ किलो का होता है वो आपको ऑलमोस्ट 90 रुपीज़ का मिलता है एंड वो आपको ऑलमोस्ट एक महीना चल जाता है। सो ये काफ़ी बजट फ्रेंडली वाला टाइप का फूड है जो आपको अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए अगर आप बल्क करना चाहते हो या हेल्दी लाइफस्टाइल में जीना चाहते हो। एंड हाँ, वेट गेन करने के लिए हमें हाई कैलोरी डेंस फूड इंपॉर्टेंट है। सो इस फूड को मैंने कैलोरी डेंस बनाया एंड उसे मैंने वीडियो में भी समझाया। सो गाइज, डू चेक दैट वीडियो। मील नंबर 2 होगा हमारा राइस एंड दाल। सो 100 ग्राम ऑफ राइस से आपको मिलेगा 100 कैलोरीज एंड 100 ग्राम ऑफ दाल से आपको मिलती है ऑलमोस्ट 80 कैलोरीज। अब ये सुनने में आपको काफ़ी सिंपल लग रहा होगा, बट बिलीव मी, मैंने बचपन से कभी भी राइस एंड दाल नहीं खाया, पर जब से मैंने अपनी डाइट में राइस एंड दाल को खाना शुरू किया ना, मैंने देखा है कि मैं कैलोरी सरप्लस में जा रहा हूँ और मेरा वेट गेन हो रहा है। सो ये फूड इंडिया में सभी के घर में मिलता है, सभी इसे अफोर्ड भी कर सकते हैं। सो द थिंग इज़ यू नीड टू ईट मोर, यू नीड टू स्टार्ट ईटिंग दैट और आप देखोगे कि आपका वेट गेन हो रहा है। और आपको पता होगा साउथ इंडिया में या साउथ रीजन आता है वहाँ पे लोग इडली, डोसा, राइस बहुत खाते हैं, इसलिए वो लोग ज़्यादा चबियर, ज़्यादा उनका वेट होता है। सो यू नीड टू स्टार्ट ईट दिस टू बिकम मस्कुलर और टू गेन वेट। मील नंबर 3 इज़ मिल्क प्रोडक्ट्स। घी, पनीर, टोफू, मिल्क, कर्ड, ये सारे मिल्क के एब्स्ट्रैक्ट्स हैं। इंडियन बॉडी बिल्डिंग में हमेशा मिल्क को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि मिल्क से सारी चीज़ें डिराइव होती है और खासकर घी। ये आपके टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करता है। सो अगर आप घी को कंज्यूम करते हो वो आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है नेचुरली, जिससे आपको मसल बनाने में हेल्प होती है। और पता है 100 ग्राम्स ऑफ पनीर से आपको मिलती है 250 कैलोरीज। सो मिल्क के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, उनको आप कंज्यूम करो और वो एक कैलोरी डेंस फूड होता है। सो वो आपको बल्किंग में हेल्प करते हैं और सारे फूड्स के अपने अपने के एडवांटेज होते हैं और बहुत एडवांटेजेस ही है। सो जस्ट गाइज, मिल्क प्रोडक्ट को खाना शुरू करो एंड यू विल सी दैट यू आर बल्किंग एंड गेनिंग वेट। मील नंबर 4 होने वाला है पीनट बटर। सो अगर वन टेबल स्पून पीनट बटर से आपको मिलती है 100 कैलोरीज। मैं जब बोर हो जाता हूँ खाना खाने से, मुझे कुछ स्नैक टाइप खाना रहता है ना, तो मैं दो चम्मच पीनट बटर के खा लेता हूँ, जिससे मुझे 200 कैलोरीज मिलती है। कैन यू बिलीव दैट 200 कैलोरीज इन जस्ट 2 स्पूंस। सो कोई भी बोरिंग चीज़ होती है ना, जैसे ओट मिल की मैंने बात की, ओट्स इतने बोरिंग चीज़ होती है ना जिंदगी में जो आप फेस करोगे। सो उसमें जब आप पीनट बटर ऐड करते हो तो उस ओट्स का टेक्सचर बदल जाता है, उस ओट्स का फ्लेवर बदल जाता है, उसमें आपको एक चॉकलेट फ्लेवर का फील आता है, उसमें आपको चॉकलेट फ्लेवर का फील आएगा। हैविंग पीनट बटर इन योर डाइट हेल्प्स यू डेफिनेटली टू मेक फूड टेस्टियर एंड गिव यू द कैलोरीज। पीनट बटर से आपको हेल्दी फैट्स मिलते हैं जो आपके बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी और बेनिफिशियरी होते हैं। सो पीनट बटर अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना गाइस। मील नंबर 5 द फाइनल इज वेट गेन शेक। इससे आपको 600 से लेकर 1000 कैलोरीज मिलती है। अब इस शेक को बनाना बहुत ईजी है, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया या यूट्यूब पे बहुत लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाया, पर मैं सिंपली आपको बता देता हूँ। इसमें आपको लगेंगे ओट्स जिसको आप ग्राइंड कर लोगे, फिर आपको लगेंगे 2 बनानास, उसमें आपको मिल्क ऐड करना पड़ेगा, उसमें आपको 2 स्पून ऑफ पीनट बटर ऐड करना पड़ेगा, और फाइनली आप उसमें कुछ बादाम या कुछ भी अपने टाइप से ऐड कर सकते हो टू इंक्रीज इट कैलोरीज। एंड आपको उसमें आइस क्यूब्स डालने और उसको पी लेना है। सो इससे आपको बहुत कैलोरीज मिलती है। इससे आपको प्रोटीन मिलता है अबव 25 ग्राम्स, डिपेंड्स ऑन आप उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करते हो। सो ये कैलोरी डेंस फूड है। सो मेनली वेट गेन करने के लिए, बल्किंग करने के लिए कैलोरी डेंस फूड खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, बल्किंग कर रहे हो सो इन 5 मील्स को ज़रूर ट्राई करना। सो गाइज, ये थे वो 5 मील्स जो हर एक स्टूडेंट या कोई भी अपनी डेली डाइट में फॉलो कर सकता है, जिससे उसे हेल्प मिलेंगी वेट गेन करने के लिए एंड बल्किंग करने के लिए। तो गाइज, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो सो एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपको ऐसे ही वेट गेन, बल्किंग रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना, ताकि आप मेरे कोई भी वीडियोस मिस ना करो एंड बी द पार्ट ऑफ माय फैमिली। सो गाइज, दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।